नमस्कार साथियों, मैं देवकीनंदन गौतम, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरथल, ग्राम पंचायत पहाड़ी, ब्लॉक निवाई, जिला टोंक, राजस्थान। भारत का मैं नागरिक हूँ और पिछले 32 वर्षों से राजकीय सेवा कर रहा हूँ। 1988 से लेकर के 1999 तक मैंने शिक्षक के रूप में कार्य किया और शिक्षक का कार्य एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें आउटपुट नहीं दिखता है। इनपुट जितना देते हैं, जरूरी नहीं है कि आउटपुट उतना आए। शैक्षिक गतिविधियों के साथ आज की वार्ता का मेरा विषय है, शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ यह सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ कितनी सार्थक होती है और किस तरह से सार्थक होती है, उस पर मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा और हो सके तो जो मेरे सुझाव हैं इनको सभी साथी अपने दैनिक जीवन में या जो शिक्षक बंधु हैं वो बच्चों के साथ साझा करें तो इसके उत्तरोत्तर परिणाम मिलेंगे। सबसे पहला बिंदु है विद्यालय की शुरुआत एक प्रभावी प्रातःकालीन सभा के द्वारा होती है। ये एक ऐसी शैक्षिक सहशैक्षिक गतिविधि है जो प्रतिदिन प्रत्येक विद्यालय में करवाई जाती है और इसके लिए समय विभाग चक्र में 25 मिनट का समय आवंटित होता है। उस 25 मिनट के समय को नियोजित करते हुए और उसमें अनेक गतिविधियां अपन करवाते हैं, उन गतिविधियों को अगर प्रभावी तरीके से किया जाता है तो उसके बड़ा सार्थक परिणाम उसके निकलते हैं। अब प्रभावी प्रार्थना सभा उसका एक अंग होता है कि प्रातःकालीन सभा की शुरुआत प्रार्थना से होती है। हम परमपिता परमेश्वर की एक प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर से अपन ये प्रार्थना करते हैं कि दैनिक जो जीवन है उसमें आज की जो प्रक्रिया है उसमें वो उनके साझा बने, ऐसे भाव प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लाता है। अब प्रभावी प्रार्थना सभा में बच्चों के साथ इसे अपन ने प्रभावी प्रार्थना सभा के लिए हम बच्चों के साथ बहुत सा अनौपचारिक संवाद करें। प्रार्थना ईश्वरीय प्रार्थना ईश वंदना हो गई और बाकी जो अलॉटेड प्रोग्राम है वो करवाने के बाद बच्चों से सीधा संवाद प्रार्थना सभा के माध्यम से अपन करें तो उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बड़ी सार्थक प्रतीत होती है कि बच्चों के अंदर ऐसे भाव कि वो अंतर मन से किसी कार्य से जुड़े। शिक्षण का कार्य एक ऐसा कार्य है कि जितना इनपुट हम देते हैं उतना आउटपुट नहीं निकल पाता और उसके पीछे कारण यह है कि बच्चों का उसके अंदर जुड़ाव बढ़े। तो प्रार्थना सभा एक ऐसा मंच साबित हो सकता है जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर ऐसे भाव लाए जाएं, बच्चों को अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग सुनाए जाएं उसके माध्यम से कि बच्चे उनको अपने जीवन में धारण करें, ऐसी प्रेरणाएं। साथियों, जो चीज हम पढ़कर के सीखते हैं या बच्चों के साथ श्याम पट पर या क्लासरूम में किसी चीज़ को अपन
बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं उसका एक अलग अंदाज होता है, परंतु तो अगर उसी चीज को बच्चों को सुनाया जाए, कोई प्रसंग सुनाया जाए, ऐसी चीज सुनाई जाए जिसके माध्यम से बच्चे उसको अपने जीवन में उतारे, तो ये एक उस मंच के माध्यम से, प्रार्थना सभा के माध्यम से, अपन उस गतिविधि के माध्यम से उसको एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बड़े सार्थक रूप से उसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रातःकालीन सभा में बच्चों की कुछ गतिविधियां हम कराएं जिससे बच्चे, जैसे उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति की चीजें होती है वो निकल करके आए। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं परंतु उसका जवाब नहीं दे पाते, और उसके पीछे कारण ये होता है कि बच्चे किसी झिझक के कारण बोल नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते, जबकि उनकी समझ बनती है उस गतिविधि के प्रति। तो प्रार्थना सभा में हम बच्चों से कुछ ऐसे जो उनके परिवेश की बातें हैं उन पर बात करें, बच्चों से ऐसी चीज तैयार कराएं जैसे कि उनके परिवेश में आज क्या घटना घटी उसके बारे में बच्चा खुद अपने विचार व्यक्त करे। हमें कोई टाइटल नहीं देना, बच्चों से निकलाना कि आज की कोई नई घटना बताइए अपने परिक्षेत्र की, तो उससे बच्चों के अंदर जो झिझक की प्रवृत्ति है और मौखिक अभिव्यक्ति के जो भाव है वो बच्चे अच्छे से किसी चीज को व्यक्त करना सीख जाएंगे, और बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उसके बाद उनकी सीखने की जो गति होती है वो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और समझने की शक्ति काफी तीव्र गति से विकास होता है, क्योंकि एक बिंदु होता है, उस बिंदु को एक्टिव करना होता है, और वो बिंदु है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति। तो प्रातःकालीन सभा में इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से राउंड दी डे शिक्षक जो है वो किसी आदर्श के बारे में चर्चा करे, उसकी अच्छाइयों को उजागर करे और उन अच्छाइयों के बारे में सभी के साथ साझा करे कि ये एक ऐसे महापुरुष हैं, इनके बारे में उनका संदर्भ सुनाया जाए बच्चों को, और फिर बच्चों से उसके बारे में अनौपचारिक बातचीत की जाए कि बच्चे किस तरीके से उसका जवाब देते हैं। तो इससे मौखिक अभिव्यक्ति की एक उनकी जो गतिविधि है और उनकी जो प्रवृत्ति होती है झिझक की वो खुल जाएगी। जो प्रातःकालीन सभा है एक शैक्षिक सहशैक्षिक गतिविधि, वो सीखने सिखाने की प्रवृत्ति में इस तरीके से काफी प्रभावी हो सकती है। तो जितना समय हमें उसमें मिलता है और प्रत्येक दिन एक नई चीज, बच्चों से भी बात करें अपन और नई चीज के बारे में शिक्षक गण भी उनके साथ साझा करें। इसके बाद अगली प्रवृत्ति आती है सहशैक्षिक प्रवृत्ति, कि बच्चों के अंदर हम देखते आए हैं कि आज जो बच्चे हैं वो जैसा देखते हैं वैसा ही जीवन में अनुकरण करते हैं। अब इसके उदाहरण मैं आपको दूं कि आज बच्चे ज्यादातर समय इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को ज्यादा, गैजेट्स को ज्यादा देखते हैं, मोबाइल हो या टेलीविजन हुआ या उस पे वो जो धारावाहिक हैं या कोई मूवीज हैं पिक्चर्स हैं, इनको ज्यादा देखते हैं। अब मैंने आपसे निवेदन किया कि जो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही अनुकरण करते हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, वो उसको एक आइडियल थॉट मानते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को बचपन में हमने जैसे सीखा कि विद्यालय के अंदर ऐसी सहशैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी जिसके अंदर बच्चों में सेवा भाव पनपे, ऐसी गतिविधियां जैसे स्काउट गाइड है। अब स्काउट गाइड को लागू करवाने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के अंदर एक सेवा भावना की जरूरत है। बाल मन के अंदर अगर बच्चे में सेवा भावना डाल दी गई तो वो बच्चा जाकर के आगे ऐसे नागरिक के रूप में परिलक्षित होगा कि उसके जहन के अंदर वो जो सोचेगा वो केवल सेवा भाव की बात ही सोचेगा, कहीं भी स्वार्थ वाली भाव उसके अंदर नहीं आएगी। एक उसके अंदर, आज के बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसी चीजें हैं या ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिनकी अपन कल्पना नहीं कर सकते,
कि बच्चों के अंदर कोई साहस नहीं है, बच्चे चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते। ये कमियां कहाँ रही कि सामाजिक जीवन में या तो हम उनके साथ ऐसा समय साझा नहीं कर पा रहे, या जो हम बच्चे हर स्तर पर, विद्यालय के अलावा भी हर स्तर पर सीखता है वो, तो जो जैसा देख रहे हैं वैसे ही अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। मूवीज के अंदर ऐसे सीन दिखाए जाते हैं मार धाड़ के, गोली चलाने वाली चीजें हैं या क्रूरता की जो ऐसी चीजें हैं, अब उनको अगर बच्चा देखता है तो वो सहज है, उसका बाल मन है, तो वो उन चीजों को अनुकरण करने की कोशिश करता है। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसी जो चीजें हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे, बच्चों को विद्यालय के अंदर सहशैक्षिक गतिविधियों में स्काउट गाइड जो प्रवृत्ति है उसके माध्यम से सेवा भावना की बात एक अच्छे तरीके से बहुत पुराने समय से सिखाई जा रही है। और इसके पीछे भावना यही थी कि बच्चों का जो विकास हो वो एक अच्छे नागरिक के रूप में उनका विकास हो, उनके अंदर सेवा भावना आए, मानवता की भावना आए, और आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाली एक जो भाव है जिसके बारे में सभी महापुरुषों ने कहा है कि हम इस जो देह के साथ आए हैं, मनुष्य हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि वो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के आते हैं, तो उस उद्देश्य में मानव सेवा जो है वो सबसे बड़ा उसका उद्देश्य होता है। तो बच्चों के अंदर इस गतिविधि के माध्यम से जो जितने आवंटित कालांश है या जितना समय मिल पाता है हमें, उसके माध्यम से सेवा भाव के कार्य। अब सेवा भाव में कौन कौन से, उनके अंदर कैसी प्रवृत्तियां डाली जा सकती है कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके प्रति दूसरे बच्चों का भाव कैसा हो, ऐसा एक आइडिया शिक्षक बच्चों के सामने छोड़े कि आपका छोटा भाई है, अब इसको बुखार आ रहा है या इसके कोई खेलते हुए चोट लग गई, अब इसको किस तरीके से इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। या तो बच्चे इस तरीके से होते हैं कि वो एक उदाहरण पेश कर देंगे कि नहीं साहब इसको तो अस्पताल ले जाइए, अब कौन ले जाए, तो उसके पीछे भाव बच्चे में ये आया कि नहीं ये मेरा भाई है या मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो मेरी होती, ऐसा एक भाव उस बच्चे के अंदर पैदा इस गतिविधि के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य है कि बच्चों को आज बच्चे चुनौती स्वीकार कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसे अवसर दिए ही नहीं गए, तो बच्चों के सामने जैसे पहले पेड़ पे चढ़ने की चुनौती होती थी, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों के अंदर जैसे पेड़ पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है या किसी टीले पे चढ़ना है, समय का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, ऐसे सेवा भाव और मानवता के जो भाव हैं वो उनके अंदर विकसित किए जाएं। जैसे रास्ते में अगर कोई जीव है वो एक्सीडेंट होके पड़ा है तो ये नहीं कि उसको देख करके निकल जाएं, बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे भाव पैदा हो जाएं कि उसके प्रति उनमें करुणा और दया की भावना हो और वो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी सेवा के लिए तुरंत बिना किसी गाइडेंस के समर्पित हो जाएं, तो हमारा इस गतिविधि को करवाने का भाव एक सार्थक कदम की ओर बढ़ता है। अब इसका दीर्घकालीन जो उद्देश्य क्या होगा कि जब वो बच्चे आगे जा करके नागरिक बनेंगे, अच्छे एक भारत के नागरिक बनेंगे, तो उसके अंदर ये जो बीज का पुष्टि रोपण है वो आपने बाल मन में कर दिया, तो वो जिंदगी भर कभी भी जीवों के प्रति निर्दयी नहीं हो सकता, मानव के प्रति उसका सेवा भाव रहेगा, कहीं भी उसके अंदर किसी तरीके का कोई स्वार्थ भावना नहीं आएगी। क्यों कि स्काउट और गाइड ये जो गतिविधि है वो निस्वार्थ भावना की सेवा बच्चों के अंदर डालने का कार्य भी करती है कि बच्चे माता पिता से दूर रह करके कैंप स्थल पे रहते हैं, एक चुनौतीपूर्ण कार्य, चुनौतीपूर्ण समय और सारी चीजें, वहाँ की कैंप की सुरक्षा का जो भाव है या उसकी जो जिम्मेदारी है उसको भी उसका निर्वहन करते हैं। इसके अलावा दैनिक जो जरूरतों की चीजें हैं, भोजन बनाना है, भोजन की स्वच्छता है, अपने उपकरणों को किस तरीके से रखना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, ये सारे भाव एक अच्छे नागरिक को तैयार करने के लिए इस सीखने सिखाने की प्रवृत्ति के द्वारा, ये जो सहगामी प्रवृत्ति है इसके द्वारा बच्चों के अंदर ऐसे भाव पैदा किए जा सकते हैं। अब आप देखिए कि आज हर जगह कहीं भी आप उदाहरण देखिए कि
लोगों के अंदर एक ही भावना है कि स्वार्थ की भावना से कार्य करेगा कोई भी। एक हॉस्पिटल है, वहाँ मरीज की चिकित्सा करने का अभाव पीछे है, सबसे पहले मरीज की जेब खाली करवाने की प्रवृत्तियाँ आजकल चल रही है। अब अगर एक इस तरीके की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे है कि उस बच्चे को कहीं भी किसी शिक्षण संस्थान में जो गतिविधि कराई गई उसमें कहीं भी ऐसा ज्ञान उसको नहीं दिया गया सीखने सिखाने की प्रवृत्ति में कि उसके अंदर सेवा भाव, मानवता या निस्वार्थ सेवा, ऐसे भाव उसके अंदर कहीं परिपुष्टित होते या ऐसे बीजारोपण उसके जीवन में कहीं किए जाते कि वो बच्चा उन चीज़ों के माध्यम से उसके बाल मन में ऐसी जो छाप अगर उस समय छोड़ दी जाती तो वो बच्चा आगे जा कर के एक अच्छा नागरिक बन पाता और वो कभी भी ऐसी स्वार्थ की भावना, अब वो आगे जा कर के अगर डॉक्टर बनता है तो उसके अंदर अगर आपने इस सीखने सिखाने की प्रवृत्ति में विद्यालय वातावरण में इस गतिविधि के माध्यम से स्काउट गाइड के माध्यम से आपने अगर ऐसे बीजारोपण कर दिए जिससे उसमें सेवा भाव, मानवता और आत्मा से परमात्मा वाली, उसको एक जीवन का उद्देश्य का पता हो कि मेरा यहाँ का जीवन में इस मनुष्य जीवन में आने का एक उद्देश्य है कि मैं अच्छे कर्म करूं और अच्छे कर्म करके हर व्यक्ति का अवसान होता है, ये बच्चे को अगर शुरू के अंदर ही बता दिया जाए तो बच्चा कई चीज़ों से ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहेगा। इसके अलावा समर्पण का भाव इस स्काउट गाइड गतिविधि के माध्यम से बच्चों के अंदर कि वो खुद समर्पित होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ की भावना नहीं होती और वो खुद समर्पण से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा होता है कि वो खुद एक समर्पण का भाव अगर उनके अंदर आ गया तो आगे जा कर के वो अच्छे नागरिक बन पाते हैं और उसका परिणाम जो होता है वो बड़ा ही सार्थक होता है। अगली गतिविधि में आपसे साझा करूंगा कि आज बच्चों को, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि बच्चों के साथ में जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है उन पर कम बात की जाती है, पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं उन पर बात कर ली जाती है। अब पाठ्यक्रम की जो बच्चों की जो चीज़ें हैं उनमें बच्चों को उद्देश्य उनका एक ये होता है कि इस चीज़ से मुझे तात्कालीन क्या लाभ होगा, एक जहन के अंदर, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों के साथ ट्राई आउट किए हैं कि मैंने उनसे पूछा कि ये जो हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं अब आप उसका दैनिक जीवन में अपना उपयोग बताइए कि आप अगर गणित पढ़ते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होगा। तो कई बच्चों का एक जवाब मिलता है कि सर मेरे को तो इसका कोई जीवन में लाभ मिल नहीं रहा कि दैनिक जीवन में मेरे को एक थोड़ा सा अगर ध्यान हो जाए इनका मार्केटिंग का कि कितना मेरे को लेना है, ये जोड़ घटाव की चीज़ मेरे को जानकारी हो जाए, उसके बाद जो बहुत बड़ी जो गणित है वो शायद हमारे जीवन में काम आने वाली नहीं है, ये एक बच्चों की सोच हो सकती है। हालांकि जो गणित है वो अपनी जगह गणित होती है पर बच्चों को जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है उनके बारे में भी पाठ्यक्रम के साथ साथ उनकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि जैसे उनको आइडियल जो या ऐसे आदर्श चरित्र हैं भारत की भूमि में काफ़ी आदर्श चरित्र हुए हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनके बारे में, उनकी जीवनियों के बारे में और उन जीवनियों में क्या अच्छाइयाँ थी, उनका क्या उद्देश्य था, उन्होंने कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए, उन सब के बारे में अगर बच्चों के साथ एक एकांकी कहानी या किसी कथन के माध्यम से हम उनसे बात करते हैं तो वो बच्चे उनको बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। जैसे मैंने गणित का जो उदाहरण दिया वो एक केवल बच्चे की रुचि के बारे में दर्शाने के लिए यहाँ रखा था, बाकी गणित के प्रति मेरी कोई धारणा गलत नहीं क्योंकि गणित भी जीवन में बहुत उपयोगी है, परंतु बच्चों को उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता कि उनको उसका तत्कालीन कोई उपयोग दिख नहीं रहा, दीर्घकालीन तो बहुत बड़ा उपयोग है उसका भी जीवन में। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ साथ आप जोड़ लें उसी चीज़ को, अगर आप गणित भी बच्चों को सीखने सिखाने की प्रवृत्ति में गणित के साथ काम करें तो गणित में भी ऐसी जो गतिविधियाँ होती है जो उनके सीखने सिखाने में काफ़ी रुचिकर होगी उनके बारे में आप उनकी समझ बढ़ा सकते हैं। अब महापुरुषों की जीवनियों से बच्चे क्या सीखते हैं कि उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए और बच्चों के सामने ये रखिए कि आप देखिए ये जो चीज़ें हैं इनसे इन महापुरुषों ने इन्होंने
कौन से अच्छे कार्य किए और इन अच्छे कार्यों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जजमेंट बच्चों से कराएंगे। बच्चे अपने आप किसी चीज का जजमेंट करके और एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो चीज है अगर हमने उनके साथ साझा कर दी तो वो जीवन के अंदर इतना उनका दीर्घकालीन प्रभाव होता है कि वो उसको कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। अब ये वाक्य मैं ही बता दूं अपने आप को कि मैं जब बच्चा था तो मेरे पापा जी के साथ, मेरे पिताश्री के साथ मैं कहीं रेल की पटरी पार कर रहा था, छोटी मीटर गेज की जो रेल की पटरी थी, मेरा बालमन था नहीं, समझता नहीं था, तो मैंने एक पटरी का जो कंकर होता है उसको उठा करके पटरी के ऊपर रख दिया, तो मेरे पापा ने मेरे को उस समय समझाया कि बेटा इस तरीके से कंकर नहीं रखते क्योंकि इससे ट्रेन नीचे गिर सकती, जबकि कंकर से ट्रेन नहीं गिरती, परंतु उन्होंने एक आइडियल उदाहरण दिया कि अगर आज इसको एक इस चीज को हल्की में बताएंगे तो ये बच्चा दोबारा गलती करेगा। तो ये पक्की बात मानो आप कि मैंने उसके बाद कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं की कि किसी भी चीज को या किसी गलत काम में अपन सहभागी बने। तो ये एक उदाहरण हो सकता है इस तरीके की कि बच्चे को आप अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, आज की जरूरत के मुताबिक बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही, अब उनको हम पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों के माध्यम से बच्चों के साथ पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में बच्चों के साथ हम साझा करें कि जो बच्चे हैं वो ऐसी चीजें सीखें, और संवाद करने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है कि आप उसको अच्छी चीज को बच्चे के साथ साझा करें, महापुरुषों की जीवनियों के बारे में आप उनसे संवाद करें, उनके आदर्शों से हम उन्हें परिचय कराएं, और आप देखिए कि बच्चों के अंदर ऐसी जो भावनाएं होती है इनकी भी काफ़ी कमी आजकल दृष्टिगोचर होती है कि वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं होते बच्चे। कई बच्चों को देखते हैं कि उनका प्रकृति के बारे में कोई नजरिया ही नहीं है। अब वो क्यों हुआ, उसके पीछे कारण यह है कि उसके बारे में कभी बच्चों से कोई बात साझा नहीं की गई। जल है, जल संरक्षण के बारे में हम अपने पाठ्यक्रम में काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं इनके माध्यम से बात करते हैं, परंतु उसको इस तरीके से कि उनको दैनिक व्यवहार के बारे में, दैनिक जीवन की जो उनकी चीज़ें हैं उनसे जोड़ करके और उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो आप देखिए कि बच्चों का जो सीखना है वो इतना सार्थक होगा। जल के बारे में उनके पास जल संरक्षण है, जल की स्वच्छता है या जल प्रदूषण है, इसके बारे में उनकी समझ तब बढ़ेगी जब हम उनसे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो जल का महत्व समझाएंगे कि जल क्या है, प्रकृति की एक अनमोल निधि है ये, जो बनाई नहीं जा सकती, और अगर बना भी लेते हैं तो इतनी मात्रा में नहीं बनाई जा सकती जितनी प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से दी है। अब ये एक अनमोल निधि है और इसको संजो कर रखने की, इसको स्वच्छ रखने की, साफ रखने की, इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी बनती है। अब ये भाव पौराणिक काल से ही बच्चों को इस तरीके से समझाए गए थे कि उसको एक ईश्वर का दर्जा देके, वरुण देव मान करके और उससे परिचय कराया गया। आप देखिए अगर उसको, उस जल को बच्चा वरुण देव मानता है तो वो उसके प्रति उसका भाव बदल जाएगा, और ना तो वो जल को प्रदूषित करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, और उनके अंदर एक ऐसे भाव आ जाएंगे कि ये प्रकृति की एक अनमोल देन है और इसका संरक्षण मुझे करना है। इसके अलावा जंगल है, आज जंगलों के बारे में बच्चों को कुछ पता ही नहीं कि जंगल, जंगल कैसे लगे थे, जंगल लगाने से नहीं लगे। आज हम पिछले काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं जंगल लगाने के, प्रकृति को बचाने के, कि खूब सारे पेड़ लगाते हैं, प्रतिवर्ष लगाते हैं, परंतु फिर भी आप देखिए कि क्या हमने जो क्षति हुई उसकी पूर्ति कर ली, नहीं कर सके हम। और इसके पीछे कारण यह है कि भाव बदला नहीं, जंगल प्रकृति ने लगाए थे और हमने उसका संरक्षण किया था। वर्षों तक जंगल को भी एक ऐसी चीज माना हमने कि ये भी एक हमारी
अनमोल निधि है और उनको हम पूजते थे, पेड़ों को भी पूजते थे। अब जिस चीज को हम पूजने लग जाते हैं तो फिर उसका हम नुकसान नहीं करते। ऐसा भाव अगर बच्चों के अंदर सीखने सिखाने की प्रवृत्ति में पैदा कर दिया जाए, किसी भी अनौपचारिक बातचीत से कर सकते हैं, किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में हम कर सकते हैं, किसी महापुरुष की जयंती के दिन हम कर सकते हैं, या प्रकृति के अंदर ऐसे दिवस आते हैं जैसे पर्यावरण दिवस है या बाल सभा है, उसके माध्यम से ऐसे प्रसंगों पर स्वयं भी चर्चा करें और बच्चों से भी बातचीत काफ़ी करवाए जाए। इनके अंदर उनकी एक वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है जिसमें जल, जंगल और जमीन, आज जमीन का देखिए कितना क्षरण हो रहा है, ऐसे भाव बच्चों के अंदर नहीं है। अगर प्रकृति ने जो जंगल बनाया है, जमीन बनाई है, जल बनाया है, इसका हम संरक्षण नहीं कर पाते, ऐसे भाव अगर बच्चों के अंदर हमने नहीं डाले तो बच्चे उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो ऐसे संवाद भी किन्हीं अवसरों पर जैसे जयंतियाँ होती है या बाल सभाएं होती है या अन्य जो उत्सव होते हैं उनके माध्यम से हम बच्चों में काफ़ी सारी अनौपचारिक बात ऐसे बिंदुओं पर करके और उनका नज़रिया बदल सकते हैं। अब अगर बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ डेवलप कर दी गई तो वो जल का भी संरक्षण करेंगे, उसका प्रदूषण नहीं करेंगे, उसका महत्व समझेंगे, जंगल है जंगल के बारे में भी समझेंगे और जमीन है उसका भी महत्व समझेंगे कि आज बच्चों के अंदर, जैसे मैंने शिक्षण के बाद बच्चों से एक बार एक संवाद रखा कि आज बताइए आज बीमारियां क्यों बढ़ रही है, बच्चे निरुत्तर साहब पता नहीं है। अब उनको आप उनके संदर्भ समझाइए कि देखिए हमने जितनी हमें जिस तरीके से हम काम करते थे उन प्रक्रियाओं में हमने बदलाव ला दिया। अब बदलाव कैसे आया, उदाहरण पेश किया कि आज से वर्षों पहले हम जैविक खेती करते थे कि बच्चों को या जो किसान लोग हैं उनको ये पता होता था कि इस जमीन की भी एक, इसका भी एक स्वास्थ्य है, तो उसका स्वास्थ्य जैसे मनुष्य का इंसान का स्वास्थ्य खराब होता है ऐसे जमीन का भी स्वास्थ्य खराब होता है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अपन सुबह कचौरी खा लेंगे, 5 चाय पी लेंगे, फिर दिन में 2-4 समोसे खा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, अन्य अन्य चीज़ें अगर इसमें डाल दे जाएंगे तो इसका भी स्वास्थ्य खराब होता है। उसी तरीके से जमीन का भी स्वास्थ्य खराब हो चुका है या हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है कि एक तो हम अंधाधुंध रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, आज जैविक खाद हम नहीं डाल रहे और रासायनिक खाद इतना डाल रहे हैं जितनी शरीर उस जमीन को ज़रूरत नहीं है। उसके परिणाम अब ये मिलते हैं कि वो जो जमीन है उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। अब आप देखिए आज के जो प्रोडक्ट्स हैं, आज की अगर हरी मिर्च है, अब वो अगर आप आज मार्केट से खरीदते हैं तो 2 दिन नहीं टिकती, और वही अगर जैविक खाद से तैयार की गई ऐसी चीज़ है तो उसको आप 15 दिन रख लो, बिना किसी फ्रीज के रख लो, वो खराब ही नहीं होती, और अगर वो पकेगी तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, इस तरीके से बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण पेश करें कि आज हमने जो खान पान की चीज़ें हैं या जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में उनको दिया था उनका रूप बदल करके या उनको प्रदूषित करके हमने अपना स्वास्थ्य भी खराब किया और प्रकृति का स्वास्थ्य भी खराब किया, जमीन का स्वास्थ्य भी खराब किया। तो आज देखिए कि उनको उदाहरण बताइए कि धीरे धीरे जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है और इसके परिणाम ये होंगे कि आगे जा करके और इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बिल्कुल घट जाएगी। अब ये एक परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ है जिसको किसी भी गतिविधि के माध्यम से बच्चों के अंदर इस चीज़ को डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज देश को है। जैसे हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी इस तरीके की बात की जाती है कि आज बच्चों से ऐसी चीज़ों के बारे में पाठ्यक्रम के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम अनौपचारिक बातचीत करें। ये एक ऐसी शैक्षिक गतिविधि है कि इसके माध्यम से बच्चे एक अच्छे भारतीय, अच्छे नागरिक तैयार हो सकते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि बच्चों के साथ जैसी अपन बात करेंगे बच्चे ऐसे ही आदर्श उनको मानते हुए और अपने जीवन में उतारते हैं।
तो ऐसी जो चीज़ें होती है जल जंगल जमील, इनके बारे में हम किसी भी प्रवृत्ति के माध्यम से, मैंने निवेदन किया, कहीं भी किसी भी स्तर पर ये एक ऐसी शैक्षिक गतिविधि है कि बच्चों से संवाद करने की, उनके परिवेश की चीज़ों के बारे में बात करने की और उसके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। अब अगला बिंदु है, आज बच्चों का नज़रिया बदल रहा है कि बच्चे जैसे जो संपत्ति होती है, निजी संपत्ति, उसके अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अब ये भाव उनके अंदर कहाँ से पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है इस तरीके की चीज़, परिवेश में ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से उनके अंदर एक अनौपचारिक रूप से ऐसा संदेश जा रहा है कि जैसे उदाहरण से राजकीय संपत्ति के बारे में बच्चों का कोई निष्ठा भाव रहता ही नहीं है। अब ये भाव क्यों पैदा हुआ? जब बच्चों के अंदर ऐसा भाव पैदा होगा तो नागरिकों का जो जीवन है वो इसी तरीके का बनेगा, क्योंकि बच्चे भी आगे जाकर के नागरिक ही तो बनते हैं। तो उन बच्चों के अंदर उनके महत्व के बारे में भी हम बात करें कि ये जो राजकीय संपत्तियां हैं ये अपने पैसे से ही बनती है, अपना पैसा जो हम टैक्स के माध्यम से देते हैं या किसी भी तरीके से सरकार के पास में जाता है, उसी पैसे से ये चीज़ें बनती है। आज आम धारणा क्या बन गई कि किसी से बात करो, ग्रामीण जन से बात करो, किसी बच्चे से बात करते हैं कि भाई ये संपत्ति किसकी है, साहब सरकार की। भाई सरकार कौन सा स्ट्रक्चर है? सरकार हम लोग मिलकर के ही तो सरकार हैं, और अगर ये सरकार की है तो ये हमारी है। परंतु इस पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों का भाव बदला हुआ है, बच्चों के अंदर इस तरीके की कोई बातचीत या ऐसे भाव कभी डाले नहीं गए। आज देखिए हर जगह, पहले आज से 40 साल पहले और आज में इतना अंतर आ गया कि पहले राजकीय संपत्तियों का इतना नुकसान नहीं हो पाता था, नहीं होता था जितना आज होता है। आज किसी अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को बना करके अगर 1 साल आप छोड़ दो तो 1 साल बाद वो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो जाएगी, या उसके जो बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनको वो नहीं रहेगी, वहाँ मिलेगी नहीं। अब वो कहाँ जाती है एक अलग प्रश्न है, परंतु वो उस रूप में नहीं मिलेगी। अब इसके पीछे कारण है कि उसके प्रति उसका भाव, उसको एक राजकीय संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति मानना और उसको बनाने में आपका कितना श्रम और पैसा लगा है, इसके बारे में बच्चों के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, और इसी के कारण आगे जाकर के वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए और उनका एक भाव होता है कि ये सरकार की है। तो ऐसा भाव बच्चों के अंदर बदले। अब इसके उदाहरण भी अपन पेश कर सकते हैं कि जैसे किसी विवाह में अपन भोजन करने जाते हैं तो वहाँ हमने उसको एक सार्वजनिक खाना मान लिया, और वहाँ जाकर के अपन इतना तो वेस्टेज करते हैं और बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है। परंतु अगर उसी चीज़ को आप प्रसादी के रूप में मान लें कि भाई ये परमात्मा का प्रसाद है और इस प्रसाद को अगर झूठा छोड़ते हैं तो इसका दोष लगता है। दोनों चीज़ें एक सेम है, परंतु वहाँ दोनों का भाव बदला है कि उसका आपने उसको एक खाना कह दिया और उसको आपने प्रसाद कह दिया, प्रसाद का महत्व आपने समझा दिया, तो वो जो व्यक्ति है उसका जो उपयोग करता है वो उसका भाव बदल जाता है कि भाई प्रसाद है, इस प्रसाद को तो वेस्टेज नहीं करना चाहिए, और अगर इसको करते हैं तो इसका दोष लगता है। उसी तरीके से बच्चों के अंदर अन्न को बचाने की या इनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, समाज से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में, उनके भाव बदलने के बारे में भी ऐसे अवसर तलाशे जाएं शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से कि बच्चों के अंदर अनायास ही ऐसे भाव आए कि नहीं ये काम गलत है, राजकीय संपत्ति को देखे कि नहीं इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, और अगर कोई उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करे तो उसके बारे में भी उसके विचार तुरंत ऐसे प्रतिरोधात्मक क्षमता में आए कि नहीं ये सरकारी संपत्ति है और इसका नुकसान हम नहीं कर सकते, अगर कोई करता तो वो उसके बारे में उसको रोके समझाए। ऐसे भाव अगर प्रत्येक बच्चे में डाल दिए गए, आप देखिए देश की आधी बीमारी ऐसी चीज़ों से मिट जाएगी। परंतु एक बड़ा चैलेंज का मुद्दा है शिक्षकों के सामने कि वो इसको देख करके और इसके माध्यम से ऐसा कार्य करें। इसके अलावा आज समाज में बच्चों के सामने एक कि उनको कहीं कैरियर गाइडेंस नहीं मिल पाता,
बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, मिडिल क्लास कर लिया, सेकेंडरी कर लिया, सीनियर कर लिया, उसने ग्रेजुएशन कर ली, स्नातक कर ली, परंतु बच्चा एक अंधकार रूप से जीता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। और ले ले दे करके जो कुछ बच्चे होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी इससे। तो ये एक शिक्षण का, सीखने सिखाने की प्रवृत्ति का एक मूल आधार नहीं हो सकता, क्योंकि सिखाना जो है वो बुनियादी रूप से नागरिक तैयार करने करने वाली जो चीज़ होती है कि सिखाने के माध्यम से या सीखने सिखाने की प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके और अच्छी चीजें सीख सके, इसके लिए उस बच्चे को हमें सहशैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से कैरियर गाइडेंस की बात उसके साथ करनी होगी। हर स्तर पर, छोटे बच्चों के स्तर पर भी करनी होगी और बड़े जो बच्चे हो जाते हैं वहाँ तो करना ही करना है, और इसके लिए छोटे छोटे अवसर तलाशे जा सकते हैं। जैसे कुछ जो ऐसे दानदाता होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम ऐसी चीज़ें ले लें जिसके माध्यम से बच्चों में कुछ कौशल का विकास हो सके। कि जैसे परिवेश में खेती बाड़ी का ही काम, अब उस खेती बाड़ी को बच्चा अच्छे तरीके से कर सके। कुछ बच्चों को अगर सिलाई आती है तो उसके बारे में, और भी नहीं तो कम से कम उनसे पहले बात करें कौन कौन सीखना चाहता है और किस बच्चे की कौन से व्यवसाय में रुचि है, और उसके बारे में उनकी जो प्राथमिकता लेकर के, और उसके या तो आप जानते हैं तो आप उनके बारे में साझा कीजिए जानकारी, नहीं जानते तो ऐसे एक्सपर्ट्स को अपन बुला सकते हैं और उनके बारे में उन बच्चों का एक जो पिक्चर है भविष्य की उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चे आप देखिए वहीं से काफ़ी गंभीर बन जाएंगे कि हाँ मुझे आगे जा करके ये करना है। और अगर बच्चे का भाव ऐसा पैदा हो गया तो वो आगे जा करके उस काम को करेगा। अब आप देखिए बच्चे शुरू से ही सीख जाते हैं, जिसके अंदर उनकी बहुत अच्छी सारी रुचि होती है वो उस काम को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अब उसको करने की कोशिश करने में हमने अगर उसको और प्रोत्साहन दिया तो वो काम उसके लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि वो बच्चा जो पीछे का भारत देखें, अपन आज से 500 साल पहले का अगर भारत देखें तो भारत में बेरोजगारी की समस्या थी ही नहीं, क्योंकि बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो चाहे वो स्कूली हो या बिना स्कूल के हो, शिक्षा तो हर स्तर पे मिलती थी उनको। वो शिक्षा ऐसी मिलती थी जो उसके जीवन को तैयार करने वाली शिक्षा होती थी, और उसके माध्यम से बच्चा इतना सीख जाता था कि उसको कहीं जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आती थी। और हर व्यक्ति अपना अपना रोजगार जो पहले ही चयन कर लेता था, उसको उसकी रुचि होती थी उसके अनुसार, और उसी के अनुसार वो आगे जा करके एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाता था। आज बेरोजगारी की समस्या क्यों पैदा हुई कि बच्चों से उनके कैरियर, न तो कैरियर का गाइडेंस होता है और न उनको ऐसे कौशल विकास के अवसर मिल पाते हैं। मार्केट्स में अभी देखते हैं काफी कौशल विकास केंद्र खोले गए, परंतु जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे परोसा। एक बार किसी संस्थान को मैं देखने में भी गया था, मैंने कहा भाई क्या क्या करवाते हो आप लोग ऐसे, साहब हम बच्चों को ऐसे जो बड़े बच्चे होते हैं 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं या पास आउट बच्चे होते हैं उनको इस तरीके के कौशल विकास के, प्रधानमंत्री कौशल विकास की काम बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा सिखाते क्या हो, कि नहीं जी ये तो फॉर्मेलिटी का काम है ऐसा। मैंने कहा फॉर्मेलिटी करने को किसने कहा आपको। अब ये भाव कहाँ से आया कि वहाँ उन व्यक्तियों के माध्यम से जहाँ से भी वो पढ़ करके या शिक्षण लेकर के आए उनको इस तरीके का ज्ञान कहीं नहीं मिला कि ये सेवा है। फिर सेवा में आप निस्वार्थ सेवा कीजिए कि आप चाहे जो अर्थोपार्जन है वो कीजिए, परंतु स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मेरा मुख्य उद्देश्य ही अर्थोपार्जन ही है और बाकी जो उद्देश्य है वो गौण है। इस तरीके का भाव उनके अंदर नहीं हो तो बच्चों को कौशल विकास के भी पर्याप्त अवसर दिए जाएं, किसी भी तरीके से बच्चे को किसी भी स्तर पर हम सिखाते रहें सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से। इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां होती है कि प्रतिदिन बच्चों के बारे में उनके जो विचार हैं वो हम जानें। जैसे कि मेरे विद्यालय में कई बच्चे ऐसे लेट आते थे, मैंने एक
देखा कि बच्चों को डांट दिया जाता था कि तू लेट क्यों आया। मैंने जब उनका कारण जानने की कोशिश की, मैंने कहा देखिए कोई न कोई कारण हो सकते हैं। तो उन बच्चों से जब संवाद किया तो बच्चे कुछ बोल नहीं पाए, तो मैंने 30 दिन तक का एक रजिस्टर खोल दिया जो बच्चे लेट आते थे, और उनसे केवल इतना कहता था कि आप इसमें कारण लिख दीजिए कि किस कारण से आप आज लेट हुए, बाकी कुछ नहीं करना, आप जाइए अंदर बैठिए अपनी क्लास। अब 1 महीने के प्रत्येक बच्चे के जो कारण थे, जो मोस्टली लेट आ रहे थे, उनके पीछे जो कारण थे वो चौंकाने वाले निकले। कि जैसे कहीं 10 बच्चे तो ऐसे थे जो उस समय बिजली की कमी थी और पंप चलाते थे, बिजली आती थी सुबह 10 बजे तक, तो 10 बजे तक तो उस काम में उनको जुटना ही होता था। अब अगर वो 10:30 के स्कूल में 15 मिनट या आधा घंटा अगर लेट आ रहा है, तो बच्चा कहीं दोषी नहीं है। ऐसी जो चीज़ें होती है वो उन बच्चों के संवाद करने से पता चलती है, या एक्शन रिसर्च के माध्यम से ट्राई आउट करने से ऐसी चीज़ें जो गुड की चीज़ें हैं वो निकलती है। ये एक शैक्षिक सहशैक्षिक गतिविधि हुई, और इसके माध्यम से आप किसी चीज़ की गहराई तक पहुंच करके और उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। तो ऐसी जो इसके अलावा भी काफ़ी सारी सहशैक्षिक गतिविधियाँ होती है, बच्चा विद्यालय को अपना माने। अब इसके लिए एक गतिविधि हो सकती है कि उन बच्चों के अंदर एक ऐसा भाव पैदा कर दिया जाए कि ये बुनियाद है आपकी। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, अब दूध पीने वाला बच्चा कभी अपने माँ के दूध का ऋण नहीं चुका पाता। ये एक भाव महापुरुषों ने बनाया है कि वो बच्चा आगे जा करके नागरिक बने तो उसका नज़रिया अपने माता पिता के प्रति एक समर्पित भाव का रहे, और उसका एक बिंदु उन्होंने उस दूध से जोड़ दिया। उसी तरीके से बच्चों के अंदर एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए हम ऐसे भाव विद्यालय वातावरण के अंदर तैयार कर सकते हैं कि आप प्राथमिक रूप से या आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी शुरुआत इस विद्यालय से हुई है, और इससे बाद की शिक्षा इस विद्यालय से हुई है। तो इन विद्यालयों के माध्यम से आपने कुछ सीखा है, और सीखने के प्रति उद्देश्य विद्यालयों का और शिक्षकों का ये रहा है कि आप एक अच्छे नागरिक बने। और अच्छे नागरिक बनने के लिए हमने आपको कुछ आपके साथ कुछ साझा करने की कोशिश की है। अब इसका लाभ आपने कितना लिया, और इसके प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व तो बनता है, ऐसे अगर कैरियर की बातें, ऐसे गाइडेंस की बातें हम बच्चों को किसी भी अवसर पर, शनिवार कार्यक्रम होता है, बाल सभा होती है या प्रातःकालीन सभा होती है, इसके माध्यम से हमें उनका नज़रिया बदलना है, उनका भाव बदलना है। आज देश को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। भारत के अंदर काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को कोई पुलिस सेना और न्यायालय नहीं बदल सकती। इनको बदलने के लिए हमें अच्छे नागरिक तैयार करने होंगे, और इन अच्छे नागरिकों को तैयार करने के लिए हमें शिक्षण के साथ साथ ये जो सहशैक्षिक गतिविधियां हैं जो मैंने आपके सामने साझा की, कि बच्चे को उसका उद्देश्य समझाइए, बच्चा जीवन उसको शुरुआत जो की है कि आपका जो जीवन है वो अमूल्य है, और इसमें आपको कुछ अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम के लिए ही आपका इस जमीन पे पदार्पण हुआ है, ये उद्देश्य बच्चों के साथ शुरुआत में अगर अपन साझा करेंगे, उसके बाद जो प्रवृत्तियां हैं जो हर स्तर पर, हर विद्यालय के स्तर पर उसके साथ चलेगी, वहाँ उसको एक ऐसी अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है वो अनौपचारिक रूप से शिक्षण के साथ साथ पाठ्येतरगामी प्रवृत्तियों के माध्यम से अगर उसको मिलती रहेगी, तो वो बच्चा जा करके एक अच्छा नागरिक बनेगा, और वो अच्छा जो नागरिक है वो देश के प्रति निष्ठावान, कर्तव्यवान, ईमानदार, हर चुनौती को स्वीकार करने वाला, साहस के साथ और धैर्य युक्त वातावरण में जीने वाला एक सुयोग्य नागरिक हम तैयार कर सकते हैं इन सहशैक्षिक माध्यम, इन प्रवृत्तियों के माध्यम से, सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से। इसी के साथ मैं आज की इस वार्ता में, आप लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया, अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसका मैं आपका आभारी रहूँगा। और मेरा सभी से निवेदन है कि अगर मैंने कोई ऐसी कोई इतर बात की हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।
कि मेरे जो भाव हैं वो अंदर से कहीं भी किसी दुर्भावना से या किसी चीज़ से प्रेरित नहीं होते। मैं बच्चों के बाल मन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे बच्चों के भाव पढ़ने में और उनके साथ अनौपचारिक बातचीत करने में काफ़ी रुचि होती है। इसीलिए मैंने आज का ये जन सरोकार मंच के माध्यम से समय मांगा और मैं धन्यवाद देता हूँ देवेंद्र जी भाई साहब को कि आपने मुझे साथियों के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। धन्यवाद। जय भारत।